थाना जयतीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए कीमत की 1.5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम व एक लग्जरी कार अवैध असलाह सहित अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। वही आपको बता दें कि परमानंद पांडे क्षेत्र अधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना जयतीपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। आपको बताते चले 2 अक्टूबर को अरविंद सिंह चौहान थाना अध्यक्ष थाना जयतीपुर के नेतृत्व में थाना जयतीपुर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अफीम एक कार बरामद हुई। वही संबंध में थाना जयतीपुर पर कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में कल थाना जयतीपुर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा सद्दाम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जिसके कब्जे से 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये की जाती है। ये अफीम इनके द्वारा झारखंड से लाया जाना बताया गया। एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी भी बरामद हुई है और एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का इस्तेमाल ये इसी अफीम को जहाँ बिक्री करता है वहाँ पहुँचाने की के लिए इस्तेमाल करता है और इसका जो सप्लाई चेन है वो यहाँ से लेके बरेली और बरेली से आगे पंजाब और हरियाणा तक इसकी सप्लाई होना बताया जा रहा है। ये मूलतः बदायूं जनपद का निवासी है, लेकिन इस वक्त ये जयतीपुर में रह रहा था। सद्दाम के विरुद्ध संगत धाराओं के अंतर्गत जयतीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। थाना निगोही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 चाकू चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 60 किलो तांबा, 55 किलो चोरी का केबल, अवैध असलहा एवं एक गाड़ी बरामद हुई। वैशानंद पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व प्रवीण कुमार, क्षेत्र अधिकारी नगर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। वही संबंध में थाना पर अभियुक्तों की विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। सर, निगोही पुलिस ने 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया, क्या बरामद किया, कैसे सफलता प्राप्त हुई? निगोही पुलिस की एक सूचना मिली थी कि एक बोलेरो में 3 बदमाश हैं जो किसी घटना के फिराक में हैं। इस सूचना पर जब पुलिस वहां गई तो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें बाद 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 2 बरेली के रहने वाले हैं, एक निगोही क्षेत्र का रहने वाला है। उनके पास से 2 तमंचे, एक चाकू बरामद हुआ, साथ में उनके पास 115 किलो तांबे के तार बरामद हुए हैं जो चोरी के हैं। इनसे पूछताछ में अन्य घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस कार्रवाई की जा रही है। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।